राम प्रणाम मंत्र। पहला क्या है? तो आपको ये पूरा रामनवमी के एंड तक या रामनवमी तक पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग डेली जो भी नए नए स्पीकर्स आएंगे, संडे को भी स्पीकर्स आएंगे, वेडनेसडे को भी आएंगे, हर दिन स्पीकर्स आएंगे, तो उनको बताना प्रभु जी राम प्रणाम मंत्र पहले आप सबको दोहरा दीजिए, ठीक है। मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है, रामाय राम भद्राय, राम भद्राय, सभी बोलिए रामाय राम भद्राय, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पते नमः, सीताय पते नमः। दिस पर्टिकुलर वर्स फॉर लॉर्ड राम, ये जो वर्स है, ये श्लोक जो है, ये किसके लिए है? राम जी के लिए स्पेशल, ठीक है। तो राम जी को देख के ये वाला प्रणाम मंत्र हमें बोलना चाहिए, इसे कहते हैं राम जी का प्रणाम मंत्र। हर एक भगवान का क्या होता है? प्रणाम मंत्र होता है। ऐसे दिल से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हमारा प्रणाम, वैष्णव प्रणाम मंत्र ऐसे नहीं होता। करते ना लोग अपने अपने स्टाइल से, ऐसे नहीं करते। जो वैष्णव ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन में हम भगवान को दंडवत मार के और ये प्रणाम बोलते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा दोहराएंगे, ठीक है, रामाय राम भद्राय, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पते नमः, सीताय पते नमः, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप पे राम दरबार प्रणाम मंत्र है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्या है? राम दरबार प्रणाम मंत्र। राम जी कभी अकेले नहीं होते, ठीक है, उनके साथ कोई ना कोई उनका पार्षद, कोई ना कोई उनका भक्त, कोई ना कोई उनका सेवक अवश्य होता है। भगवान अपनी शक्ति के साथ रहते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते, ठीक है। लोग आजकल की जो कल्पना है, लोग भगवान को अकेला कर देते हैं, अकेले प्राप्त करना चाहते हैं, मगर भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के सेवक, उनको नकार देते हैं। मगर वैष्णव जो ट्रेडिशन है, संप्रदाय, वो कभी भी भगवान को अकेले पूजता नहीं है, भगवान को उनके शक्ति के साथ पूजेगा या उनके सेवक के साथ। तो मेरे पीछे बोले, दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य, दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य, वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुति यस्य, पुरतो मारुति यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्, तं वन्दे रघुनन्दनम्, दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य, दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य, वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुति यस्य, पुरतो मारुति यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्, तं वन्दे रघुनन्दनम्, दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य, दक्षिणे वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुति यस्य, पुरतो मारुति यस्य, वन्तं वन्दे रघुनन्दनम्, वन्तं वन्दे रघुनन्दनम्, ठीक है। तो इसमें है दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य। लक्ष्मण जी कहाँ पर है भगवान के? दक्षिण में, दक्षिण हाथ, दायना हाथ। दक्षिण मतलब उत्तर, मतलब बायां हाथ, ठीक है। दक्षिण मतलब दायां हाथ, दायां हाथ की तरफ। दायां ये होता है, ये होता है राइट, राइट साइड होता है, ठीक है। आप देखोगे भगवान के राइट साइड में बलराम जी होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, वो कहाँ खड़े होते हैं? कहाँ पर देखो, बाएं, राइट। हाँ, ये दायां बायां में घूमना मत बिल्कुल। और बाएं और कौन होते हैं? शक्ति है ना, मदर सीता, चाहे राधा रानी हो, लक्ष्मी जी हो, सीता जी हो, जो शक्ति तत्व होती है वो भगवान की किस साइड खड़ी रहती है? लेफ्ट साइड, ठीक है। और सामने कौन विराजमान है? हनुमान जी, ठीक है। पुरतो मारुति यस्य, हनुमान जी का एक नाम क्या है? मारुति, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया? कंप्लीट राम दरबार हो गया, ठीक है। राम दरबार में राम, लक्ष्मण, हनुमान, ठीक है, और राम जी, ठीक है, जानकी भी। अब हम लोग एक और प्रणाम मंत्र एक्स्ट्रा बोलेंगे, वो है हनुमान जी का, ठीक है। किसका बोलेंगे? हाँ,
तो हनुमान जी विराजे हमारे बीच में, तो हम एक हनुमान जी का प्रणाम मंत्र क्या करेंगे, डिसाइड करें। ये भी बहुत सुंदर है और याद करने लोग योग्य है। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पर, हमारे पास दो पर्सनैलिटी हैं, एक गरुड़देव और एक हनुमान जी। वहाँ पर गरुड़देव और हनुमान जी, श्री संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंस है हनुमान जी की और गरुड़देव जी की। इन दोनों की खासियत क्या है आपको बताऊं? कि दोनों रेडी रहते हैं, जस्ट इन एक्शन। ऐसे नहीं कि ठीक है बोलो क्या काम है, हाँ ठीक है नोट कर लिया लिख कर देंगे, नहीं। गरुड़ जी भी बाहर ऐसे रहते हैं और हनुमान जी भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब समझ रहे हो, शारीरिक से मन से, कि बस भगवान मुझे आदेश दे और वो काम मैं कर दूं। तो मेरे लिए तो दोनों बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, हनुमान जी और गरुड़ जी। मेरे फेवरेट जो हैं रोल मॉडल वो गरुड़ जी हैं, मतलब पर्सनैलिटी में, और हनुमान जी दोनों इक्वल हैं। क्योंकि इनका हमेशा मूड भगवान को क्या रहता है, सर्विंग कर। इनकी कभी इतनी ग्लोरीज नहीं सुनी होगी, गरुड़ जी की इतनी ग्लोरीज नहीं सुनी होगी, मगर गरुड़ भगवान, जो गरुड़ है भगवान के बहुत बड़े सेवक और हनुमान जी। ठीक है, तो हम गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र तो डेली रिसाइट करते हैं। जब लोग हम प्रणाम मंत्र करते हैं, किस किस को आता है गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र? यहाँ पर सिखाया था, नहीं आता किसी को? सब फेल हो गए। ओह माय गॉड, एक क्या कर सकते हैं, टाइप करके छोटी सी पर्ची वहाँ पर लैमिनेट करके वहाँ टंगा सकते हैं, एटलीस्ट भगवान गरुड़ जी को देख के तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो गरुड़ जी का प्रणाम जैसे आता है, कुमकुम अंकिता वर्णाया कुंदेन वलाय च विष्णुवाहन नमस्तुभ्यं परक्षी राजाय ते नमः। ठीक है, तो गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं वहाँ पर गरुड़ जी, या मंदिर में कभी जाते हैं गरुड़ जी को प्रणाम, जहाँ भी गरुड़ जी होते हैं वहाँ पर गरुड़ जी को ऐसे प्रणाम करना। जो प्रमाणिक मंदिर होते हैं वहाँ पर गरुड़देव जरूर। देखो हमारे इतना छोटा सेंटर, हमने तभी भी गरुड़देव जी को क्या दिया, एक स्थान दिया। तो ये एक स्थिति है, जैसे आप जाते हैं ना शिव के मंदिर में, नंदी बाहर रहते हैं, देखा है? हाँ, ऐसी। तो ये एक विष्णु टेम्पल की पहचान है, विष्णु टेम्पल में गरुड़ जी हमेशा उपस्थित होंगे। कितने भी विष्णु टेम्पल साउथ इंडिया में, तो जितने भी विष्णु टेम्पल कृष्ण टेम्पल बनते हैं सब में कंपलसरी गरुड़ को स्थान देना। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में दिक्कत रहती है, मगर हमें ये समझना चाहिए कि गरुड़ जी का स्थान है। ठीक है, तो हनुमान जी का प्रणाम मंत्र गाएंगे और याद भी करेंगे डेली। हम लोग हनुमान प्रणाम मंत्र ये आपके ग्रुप्स में डाल देंगे, तो ये रिसाइट करना है। ठीक है, क्योंकि वो विराजमान है तो हम उनको रिस्पेक्ट हमें देनी है। ठीक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। ठीक है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम, वातात्मजा वारयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शीर्षं नमामि, मनोजवं मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजा वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शीर्षा नमामि, मनोजवं मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठम, वातात्मजा वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शीर्षं नमामि। तो प्रणाम मंत्र का एक मीनिंग पढ़ लेते हैं। मैं अपना मस्तक वानर सेना नायक और बुद्धि संपन्न में सर्वपरि हनुमान वायुदेव के पुत्र के समक्ष झुकाता हूँ, जो विचारों की भांति तीव्र हैं, जो वायु की गति के समान गतिमान हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिन्होंने श्रीराम के दूत की भूमिका का निर्वाह किया है, सीता का उनका संदेश देने और उन्हें चुरा ले जाने वाले रावण की शक्ति का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये हनुमान जी का प्रणाम है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे जो कि हमारा 20 तारीख तक चलेगा, आज 11 तारीख है।
और जैसे कि प्रोग्राम आपको पता होगा कि राम कथा और बीच में हमारा रामनवमी भी है, ठीक है सर। तो रामनवमी वाले दिन हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे यहाँ पर। प्रभात फेरी का मतलब प्रभात का मतलब सुबह कहीं प्रभात का मतलब आप समझो कि शाम। तो सुबह हम लोग प्रभात फेरी निकालेंगे और कथा भी उस दिन होगी, और 20 तारीख को कथा भी होगी और हरिनाम भी होगा, ठीक है। जैसे इस टाइम अभी कथा चल रही होगी, आप लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे सब लोग जुड़ते चले जाएंगे, फिर 6:30 बजे हम लोग बाहर निकल जाएंगे और जस्ट जो भी रूट हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ से होते हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही ये हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा। तो हम लोगों ने बाल कांड पर आज मेरा जो टॉपिक है वो बाल कांड पे है। तो मैं अपना टैब लाना भूल गया, फिर भी मेरे जो भी थोड़े नोट्स इसमें बने हैं उससे हम बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि बालकांड है क्या चीज़, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ी भी होगी आप लोगों ने रामायण अपने अपने बिहाफ पे अपने देश। हम लोग जो प्रमाणिक स्रोत रामायण को ही लेते हैं, रामायण किसके द्वारा रचित है ना, महर्षि वाल्मीकि। तो ये हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में जो क्या है प्रमाणिक जो ग्रंथ माना जाता है राम जी के लिए, वो कौन सा माना जाता है, रामचरित मानस भी है, मगर वो हमारे वैष्णव संप्रदाय के से प्रमाणिक नहीं है, ठीक है। फिर भी लोग पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोगों से पूछा जाए तो आप राम जी के लिए कौन सा सोर्स पढ़ते हो, वाल्मीकि रामायण। रामायण और रामचरित मानस अलग अलग है, ठीक है। तो रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसके अंदर अवधी भाषा में छुपाई है, और ये जो रामायण है ये वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित है, ठीक है, ओके। इस 24,000 श्लोक है रामायण में, और इसको रामायण को कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में बांटा था, कितने भागों में, हाँ। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि हम लोग ये हम लोगों को हमारी बेसिक नॉलेज पता है कि हम पढ़ रहे हैं तो वो उसमें सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला बताया गया है बालकांड, ठीक है, 7 भागों में बांटा गया, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, ठीक है। तो ये हमारी नॉलेज के लिए होना चाहिए कि रामायण इतने सेक्शन में बटा हुआ है। ये कांड एक्चुअली वर्ड जो यूज करा है कांड, ये सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में इन टॉपिक की क्या हुई है, चर्चा हुई। बाल कांड में भगवान की बाल लीलाएं कम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अयोध्या कांड में अयोध्या के बारे में बताया गया कि भगवान किस तरीके से वन को गए और उनकी अभिषेक पादुका जो भी अयोध्या से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो उसके अंदर बताया गया, जो कि कहीं ने मांगा 3 वर दो ये दो। किस अरण्य कांड में सीता जी का हरण, जटायु की वीर गति, ये सब स्थिति है। तो ये टॉपिक्स जो अलग अलग स्पीकर्स आएंगे, अलग अलग स्पीकर्स को अलग अलग कांड दे रखे हैं, वो अपने अपने उस टॉपिक्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये आपको अच्छा है कि मैं तो डेली ऑनलाइन ही सुन पाऊँगा, आज मेरी फर्स्ट क्लास है ये वाले, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आराम से हर या कांड पे सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं रिलेटिव्स जो भी स्पीकर्स होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बालकांड पढ़ेंगे। तो बालकांड का क्या है कंटेंट, क्या है बालकांड के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम बात तो कथा तो एक टॉपिक पे भी हो सकती है बहुत बड़ी, मगर हमारे पास समय कम है तो इसलिए जस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे दें, और जहाँ पर शिक्षा देनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो है बालकांड में है राम जी का जन्म के बारे में। राम जी का जन्म सब लोगों को पता है कैसे हुआ, पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करवाया और पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ के बाद राम जी की मदर का नाम कौशल्या, तो अलग अलग सुमित्रा के कई से भी अलग अलग पुत्र क्या हुए, प्राप्त हुए। तो राम जन्म के बारे में अगर जानकारी चाहिए आपको तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, बालकांड, ठीक है। जैसे रामलला का वो रामनवमी आ रही है तो ये जो चैप्टर है बालकांड का, ये जो पढ़ने का जन्म के बारे में यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है विश्वामित्र का आगमन, विश्वामित्र जी आए और क्या मांगा, राम जी को मांग लिया। तो पहले जो दशरथ थे, दशरथ जी से पहले उनको पता नहीं था कि ये राम जी मुझसे मांगने हैं, क्योंकि राम जी तो शुरू से कहाँ रहे हैं, वहीं पे रहे, अयोध्या में रहे,
तो अयोध्या में रहे तो दशरथ जी ने कभी राम जी को अपने से दूर जाने नहीं दिया। और जब विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र का जो टारगेट था ना वो राम लक्ष्मण जी को ले जाने का था। विश्वामित्र जी का टारगेट क्या था? हाँ, तो पहले उन्होंने बताया कि हम बहुत दुखी हैं, हमें परेशान किया जा रहा है ताड़का के द्वारा, हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में क्या डाल रहे हैं, वो विघ्न डाल रहे हैं। असुरों का काम ही यही होता है, संकट डालना। असुरों का क्या काम होता है? संकट डालना। असुर किसी ना किसी तरीके से संत को, भक्तों को क्या करेंगे, हाँ उनका बिजनेस ही यही है, वो बिना परेशान किए रह नहीं सकते। तो जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए तो उनको पूरी कहानी सुना दी और उन्होंने बोल दिया कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। पहले तो दशरथ जी ने जोर जोर से बोल दिया, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हमारे हमारे कुल की परंपरा रही है ना, रघुकुल रीत चला सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन। इतनी बड़ी बात है, पहले दाग दी दशरथ जी ने, मगर जैसे उन्होंने मांगा क्या राम, तो दशरथ जी का कंठ रुक गया। तो दशरथ जी हड़बड़ाने लग गए, कह रहे कि नहीं मैं चलूंगा अपनी पूरी सेना को लेकर, जो भी है ताड़का, जो भी मारीची हैं, सुबाहु हैं, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा उनको, उनका वध करके नहीं। तो पुत्र मोह में, विश्वामित्र जी ने बताया, पुत्र मोह में जो आपकी प्रॉमिस थी ना वो लग रहा डगमगा गई है, ये परंपरा क्या हो गई, अब खत्म सी होने लग रही है। कौन सी परंपरा? पर वचन ना जाए, तो कितना तगड़ा हो गया था पहले प्रॉमिस, वचन पे कितना डिपेंडेंट है। तो मेरा जो थोड़ा सा समझाने का एक वो प्रॉमिस है कि जो हम लोग कमिटमेंट हमारा डिवोशन सर्विस में होना चाहिए, कमिटमेंट, इसे वचन कहते हैं, वचन आपके हैं। तो वचन से क्या होता है कि जो हम किसी को वचन देते हैं इससे हमारा ईमान, हमारा स्वभाव सब पता चल जाता है, सब पता चल जाता है। अगर हमने किसी को क्या दे दिया, वचन दे दिया, वचन यानी कि हमने क्या कर लिया, उसे प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस कि अब हम ये काम करेंगे आपके। तो उस कार्य को करने के लिए हमें जो भी स्थिति से गुजरना पड़े वो कार्य होना चाहिए, इसे कहते हैं प्रतिबद्धता, इंग्लिश में बोले तो कमिटमेंट, कि हमने कमिटमेंट कर ली। इसलिए जब भी कभी गुरु और शिष्य का संबंध बनता है तो वचन के आधार पर ही बनता है। गुरु शिष्य का जो संबंध बनता है वो किसके आधार पर बनता है? वचन के आधार, कि गुरु के वचन शिष्य के लिए क्या है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, कि इस वचन का मैं क्या करूंगा, पूरा पालन, चाहे कोई भी स्थिति का सामना मुझे क्यों ना करना। अगर कोई शिष्य गुरु की इंस्ट्रक्शन यानी कि गुरु के वचन से प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो उसका शिष्य का कोई ईमान नहीं है, शिष्य के अंदर कोई शिष्यत्व नहीं है। तो इसलिए जो बताया जाता है कि हमें अपने कमिटमेंट्स यानी कि वचनों के प्रति पूर्ण तरीके से दृढ़ रहना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने जब देखा कि दशरथ जी का इस प्रकार से भाव आ रहा है कि पुत्र मोह और अपने कमिटमेंट से हिल रहे हैं, तो फिर उनको किसने समझाया? वशिष्ठ जी ने समझाया। तो कितनी जरूरत पड़ती है काउंसलर्स की, इसलिए पहले हर राजा के पास एक काउंसलर्स, एक ब्राह्मण, एक उनके ऋषि कुल ब्राह्मण होते थे जिनसे वो क्या लेते थे, सलाह मशवरा लेते थे। ऐसे नहीं कि हमें सब आता है, हमें सब पता है, नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज है, क्योंकि जो तो ब्राह्मण का काम हेड का होता है, ब्राह्मण का क्या काम होता है, हाँ, जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ऊपर से सोचते हैं दिमाग से, और कुछ लोग बाजू से सोचते हैं, कुछ लोग पेट से सोचते हैं। तो ये जो वशिष्ठ जी ने जब इस प्रकार से बताया, उनको पूरा काउंसलिंग किया, पूरा गाइड किया, तो फिर उन्होंने दशरथ जी ने उनको क्या करा, जाने दिया कि जाओ, किनको, राम लक्ष्मण। विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण जी गए, इसी बालकांड के अंदर प्रसंग आता है, तो उनको विश्वामित्र जी ने सबसे पहले कहाँ ले गए, कामदेव आश्रम ले गए। कहाँ ले गए? नॉर्मली हमको पता होगा कि जब भगवान तपस्या कर रहे थे वहां पर, उस जगह को पहले तो कामदेव आश्रम नहीं कहते थे, मतलब पहले जब तपस्या कर रहे थे तो फिर कामदेव ने आके क्या करा, उन्हें परेशान किया, और जब शिव जी ने अपनी क्या खोल दी, तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख खोलने का मतलब समझते हो? हाँ, तो देवताओं ने कारण मरे तो नहीं, मगर शरीर पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, अनंग नाम पड़ गया कामदेव का।
और उस स्थान जब शिव जी चले गए तो उस स्थान को कामदेव आश्रम कहने लगे। तो इस तरीके से जब विश्वामित्र जी के साथ वो रहे, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीचिंग्स हैं इसके साथ। तो विश्वामित्र जी के साथ जब रहे तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पहले विद्याएं सिखाई। क्या सिखाए? विद्याएं सिखाई। ये विद्याएं भगवान को वैसे जरूरत नहीं है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, मगर भगवान एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। किसका रिप्रेजेंटेशन? राजकुमार का। अब कोई बोले जा तुम्हारे भगवान तो बहुत कमजोर है, तुम्हारे भगवान को पढ़ना पड़ता है, तुम्हारे भगवान को सीखना पड़ता है, यस या नो? ऐसा कोई बोल सकता है या तुम्हारे भगवान को तो टीचिंग लेनी पड़ गई कि हथियार कैसे चलाने हैं, है ना, ये सब कुछ। अब एक एक ऐसी स्थिति सोचो कि भगवान को कुछ ना सिखाना पड़े, भगवान को तो ये रामायण बनती। भगवान का तो मुझे तो आता, तुम क्या सिखाओगे? भगवान के लिए ताड़का जैसी राक्षसनी का क्या महत्व है? कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। कितने सारे असुर हैं इस पूरे संसार में, चलो एक गोले के अंदर ही तो है पूरे असुर, अलग अलग गोले के अंदर भगवान साहब ब्रह्मांड ही नष्ट कर दे तो असुर बचेंगे ना? बचेगा भास ना बचेगी भासुरी। तो भगवान अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो कुछ भी संभव भगवान के लिए असंभव नहीं है। मगर भगवान क्या करते हैं, लीलाओं में रस्ते रचते हैं, उसको बहुत खींचते हैं कि मैं जाऊंगा दशरथ जी के घर जाऊंगा, विश्वामित्र जी आएंगे, मुझे ले जाएंगे, मुझे सब कुछ सिखाएंगे, ढाल कृपाण ये बाण वाण सब सिखाएंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्थिति को, कह रहे हैं। इसलिए भगवान की स्थिति को कभी भी सामान्य स्थिति नहीं समझनी चाहिए। मगर आज की दिक्कत क्या है संसार में कि लोगों ने इंसान को भगवान और भगवान को इंसान बना लिया। कल हमारी आशय क्लास हो रही थी तो उस आशय क्लास में मतलब डिवोटी बता रहे थे बहुत अच्छा कि लोगों ने सबको भगवान बना दिया, बस भगवान को छोड़ के ये बस यही भगवान नहीं है, मेरे माँ बाप भगवान है, मेरे जो गुरुजी है ना जिन्होंने मुझे मैथ पढ़ाई है 10th क्लास में और 90 वो मेरे भगवान है, जिन्होंने जो मेरे गॉड फादर जिन्होंने मुझे हैकिंग सिखाई है, जिन्होंने मुझे पैसा कमाना सिखाया है, वो मेरे क्या है, भगवान है। जिन्होंने मुझे बचपन से यहाँ तक लिया है वो मेरे भगवान है। बस यही भगवान नहीं है, बाकी सारे लोग क्या है, भगवान है। ठीक है, सुना है गाना वाला आपने, ये तो सच है कि भगवान है, है? मगर है फिर भी अनजान है ना। मतलब मैनिपुलेशंस अगर सीखना हो तो भारतीय समाज से बस शास्त्र भी देखेंगे, वो गीता भागवतम रामायण महाभारत बस ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम अपना मैनिपुलेशन लगा के किसी को भी टैगलाइन और फिर लोग इसमें भाव विभोर हो जाते हैं। यस या नो? किसी को भगवान जैसी स्थिति में रख दें और उसका मान सम्मान करने लग जाए तो कोई मना करेगा मुझे भगवान मत मानो? यस या नो? सबको तो अच्छा लगेगा, माँ बाप को अच्छा लगेगा यार मेरा बेटा मुझे इतना बड़ा भगवान समझता है ना। ऑब्वियसली जो भी है माँ बाप है, तो इसलिए समझना है कि जो भगवान की स्थिति है वो भगवान है और हमारी स्थिति भगवान की स्थिति नहीं है। हम भगवान जैसे भी नहीं हो सकते, भगवान तो दूर की बात है, हम भगवान जैसे भी नहीं हो सकते। जैसे समझ में आता है ना वर्ड, ये तो मेरे माँ बाप जैसे हैं। माँ बाप जैसे होने का मतलब क्या है? माँ बाप जैसे प्यार करते हैं, और माँ बाप जैसे मतलब ये तो मेरे भाई जैसा है, फोटो कॉपी। राइट राइट, बिल्कुल राइट। जेरक्स, फोटो कॉपी, ओरिजिनल और फोटो कॉपी में अंतर पता है? ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है, फोटो कॉपी फोटो, उसे पता है कि ये रियल नहीं है, फिर भी बोल देते हैं ये है, ये मेरा भाई जैसा है। मगर कभी लड़ाई होता तो फिर भाई भाई कसाई बन जाते एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये जो बाल कांड है, बाल कांड के अंदर ये बताया जाता है क्या कि विश्वामित्र जी ने किस प्रकार से राम जी को और ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे शक्ति की हो, चाहे भक्ति की हो, विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो हरे कृष्णा सेंटर्स प्रभुपाद ने खोले हैं, जो बनाए, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। भक्ति करने की क्या दी जाएगी? यार लोग सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दे सकते, तो क्या भक्ति की ट्रेनिंग नहीं दे सकते? यस या नो? बाहर जाओ, सारगुड़ा रोड पर कितने इधर भी इंस्टीट्यूशन है, इधर भी इंस्टीट्यूशन है,
पता नहीं क्या क्या कोर्स करवा देंगे आपसे पैसे लेके, करवाएंगे ना ट्रेनिंग देंगे। तो ये भक्ति की ट्रेनिंग का सेंटर है कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें एक ट्रेनर की आवश्यकता है, उसके गाइडेंस में आने की आवश्यकता है। यहाँ कैसे कराया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, जैसे भगवान ने स्वीकार किया किसको, विश्वामित्र जी को। किसको स्वीकार करा? विश्वामित्र जी को। फिर अलभ्य अस्त्रों का क्या दिया उनको? दान दिया, ज्ञान दिया। ये अलभ्य अस्त्र कैसे चलाने हैं, कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्या छूटेगा क्या छूटेगा। फिर भगवान ने क्या करा, ताड़का का वध किया। तो जैसे मैं इसको थोड़ा पढ़ रहा था बालकांड को, तो ताड़का वर्ड, ताड़का अच्छा है, मगर ताड़का जो शापित हो गई ना, फिर वो ताड़का बन गई। ताड़का जो वर्ड है वो वर्ड ठीक है, ये ताड़का जब मैंने मतलब पढ़ा तो वो ठीक थी, वो सुंदर थी, मगर उनका जो बेटा था कौन, मारीच, वो थोड़ा सा दबंगे निकल गया, टेढ़ा निकल गया। तो उन्होंने क्या करा, परेशान किया लोगों को। इसे अपने बच्चों को संभाल के रखा करो जो भी जिसका बच्चा है अपने बच्चे की रक्षात्री स्वयं रक्षा करे। मतलब माँ बाप हैं तो उनकी जिम्मेदारी ही बनती है। अब माँ बाप के लिए तो जिगर का टुकड़ा है, नूर का चांद है, जहाँ भी उनका ही है जो भी है तो इसलिए जो बच्चे हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या हुआ, ये जब मारीची क्या बन गया, बदमाश बन गया, तो जो सुनंद थे, सुकेतु सुके सुनंद है ना, सुनंद, तो ये जो थे और इनकी शादी किससे हो रखी थी, ताड़का से हो रखी थी। ये यक्ष थे और ये राक्षसी, मगर राक्षसी ऐसे नहीं कि सबके सिंह निकले हों, ऐसे सिंह निकले हो, दांत ऐसे निकले, राक्षस जाति है, ठीक है। राक्षस क्या है, देखो पहले क्या थे, पहले दैत्य हुआ करते थे, दैत्य ज्यादा शक्तिशाली होते थे, दैत्य क्या होते थे, ज्यादा पावर्स होती थी, दैत्य के पास मंत्र की शक्ति होती थी, दैत्य के पास रूप बदलने की शक्ति होती, सब दैत्यों के पास पावर होती थी। तो सतयुग में दैत्यों का राज ज्यादा था, किसका राज ज्यादा था, हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकश्यप, सब दैत्य खानदान से आते थे, कहाँ से आते थे, दैत्य से आते थे। फिर दैत्यों के बाद राक्षसों का बड़ा, किसका बड़ा, राक्षस, राक्षस मतलब रावण, हम राक्षस हैं, हम शासक हैं। तो राक्षस राक्षस बढ़ने लगे, तो जो युग आते रहते ना तो थोड़ी पावर कम होती रहती है, जैसे जैसे युग, जैसे कलयुग क्या सबसे घटिया युग है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं चल सकता, इसमें तो यंत्र युग है, ये मंत्र युग नहीं है, क्या है, यंत्र युग है। उड़ना हो तो एरोप्लेन लेना पड़ेगा आपको, मगर पहले मंत्र युग था, तो पहले मंत्र पढ़ते थे, यहाँ से ट्रांस टेलीकास्ट होके कहीं दूसरी जगह ढूम पहुंच जाते, ऐसे होता था ना मूवीज में भी ऐसे दिखाया। तो पहले मंत्र युग होता था, अब यह है यंत्र युग, आपको जाना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, टिकट खरीदनी होगी, उड़ के दूसरे का जाना होगा, बातें सुनाई दे सकती है, नंबर मिला होगा, कोड जो भी होंगे वो पर सैटेलाइट में जाएगा, आपकी स्वर्ण जो जिस कोड पर मिलाएगा, जो नंबर होगा उस पर जाएगा, तो आपकी बातें वहां सुनाई दे जाएंगी। यस या नो? तो पूरा यंत्रों का इस्तेमाल करके, मगर पहले मंत्रों का इस्तेमाल करते, मंत्र पढ़ते थे, पहले बातें हो जाती थी, अंदर से बातें वहां पर मिल जाती। तो अगर कोई अच्छी तरह से साइंस भी पढ़ना चाहता है ना, तो इन ग्रंथों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो पहले दैत्य थे, फिर राक्षस, मगर राक्षस जो दैत्य थे थोड़े लेस पावर थे, ठीक है, क्लियर। फिर राक्षस के बाद आए दानव, जो कृष्णा ने सारा संहार किसका करा है, दानवों का संहार, के जो आते थे ना, अकासुर बकासुर केशी, ये सब दानव थे, ये राक्षस नहीं थे, तो इनका संहार, ये उनसे कम पावर, मगर इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। जैसे पोस्ट हाई रहती तो पोस्ट लोग कम होते हैं ना, ऐसे हम दैत्य ज्यादा नहीं थे, दैत्य कम थे, फिर उससे लेस पावर में फिर राक्षस बढ़ गए, फिर राक्षस के बाद क्या बढ़ गए, दानव बढ़ गए, ये और मात्रा में बढ़ गए। तभी भगवान को कुरुक्षेत्र का युद्ध कराना पड़ गया, फिर भगवान ने लीलाएं करी अपने अपने खुद की बाल लीलाओं में, मारा लोगों को, ठीक है, इस तरीके से। अब कलयुग आ रहा है, अब कलयुग में भी छुपे हुए हैं मानव, हाँ मानव क्या, असुर है ना, मानव के अंदर वो क्वालिटी है कि हर कोई डिवोटी नहीं है ना, पहले स्वाभाविक रूप से हर कोई भगवान का भक्त होगा, मगर यहाँ पर भगवान का भक्त बनना पड़ रहा है, कोई स्वाभाविक रूप से भगवान का भक्त नहीं है, तो इसलिए इसे कहते हैं मानव। तो दैत्य राक्षस दानव और मानव, तो इसलिए हमें मानव से भी निकल कर भगवान का क्या बनना है, इसलिए जो भगवान का डिवोटी नहीं है
वो इन्हीं कैटेगरी में आता है, वो धीरे धीरे मानव दानव राक्षस और दैत्य बन जाएगा। यस, तो ये जो है ताड़का का वध किया, तो मैं बताता था मारीची को, फिर मारीची को श्राप दे दिया, मारीची को श्राप दे दिया कि तू राक्षस बन जा। अब मारीची को श्राप दे दिया तो फिर ये गुस्सा हो गए जो इनके पिता थे, इनके पिता को भी क्या कर दिया, भस्म कर दिया अगस्त्य मुनि ने। किसने? अब ये स्थिति देखे कि मेरे पति को मार दिया, मेरे बेटे को क्या कर दिया, राक्षस बना दिया। तो ताड़का को क्या आया, बहुत गुस्सा है, प्रतिशोध लेने चली गई। अब ताड़का को भी क्या कर दिया, श्राप देके क्या कर दिया, क्रूप कर दिया। ताड़का फिर क्या बन गई, क्रूप बन गई। पहले सुंदर स्त्री थी मगर क्या हो गया, मिसबिहेव के कारण क्या हो गया, हाँ। अब उसका एक ही ध्येय था कि बस मुझे अगस्त्य मुनि को किस तरीके से क्या करना, यही होती है मतलब राक्षसों की मेंटली, रिवेंज लेना उनको, बदला, अदला का बदला, प्रतिशोध, बस मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूं। वही शूर्पणखा ने प्रतिशोध लिया, आगे जाके रावण ने प्रतिशोध लिया। तो हर व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्ति का होता है वो क्या लेना चाहता है, प्रतिशोध लेना चाहता है कि मुझे अगर एक बिगाड़ा तो मैं इसका दो बिगाड़ दूं। तो फिर क्या हुआ आगे, हाँ, फिर विश्वामित्र जी अपने आश्रम में ले गए और फिर उन्होंने मारीची और स्वभाव का क्या करा, ताड़का का वध कराया। फिर बाद में अब पहले पत्नी ने पति का और बच्चे का बदला लेना चाहा, फिर बच्चों ने अपने पिता का बदला लेना चाहा। क्लियर हो गया? तो भगवान राम के साथ ये दोनों लड़ने आए, कौन, मारीची और स्वभाव। तो भगवान ने इनका वध किया। अब फिर भगवान क्या हो गए, मतलब आगे जो इस बालकांड में बताया जाता है कि भगवान फिर आगे निकल गए, और फिर अब भगवान का विवाह का क्या बन रहा है, प्लान बन रहा है ना। जनकपुरी भगवान क्या जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो जनकपुरी जाने पर जनकपुरी में क्या एक कंपटीशन चल रहा है, हैं, धनुष, हाँ, धनुष तोड़ने का कंपटीशन। धनुष तोड़ना नहीं, उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी है। वो धनुष का नाम क्या है, किसी को पता है? शिव धनुष, शिव धनुष कहते हैं। मतलब शिव धनुष एक और स्पेशल नाम है उसका, पिनाक। क्या धनुष का नाम है? पिनाक। तो जब ये कंपटीशन रखा गया कि धनुष को, ये टाइम इतनी जल्दी गया तो धनुष जब तोड़ने का रहता, तो पूछा गया कि ये धनुष ही क्यों आपने कंपटीशन में रखा है, और कोई भी रख देते, ड्राइंग कंपटीशन रख देते है ना, ऐसे कंपटीशन रख देते, कोई ना कोई इजी कंपटीशन रख देते। यस या नो, ये धनुष ही क्यों आपने कंपटीशन में रखा हुआ है, हम नहीं खेल रहे। क्योंकि धनुष पहले भी ये कंपटीशन में रखा था इससे पहले, तो सीता जी का क्या नहीं हो पा रहा था, विवाह नहीं। मगर जनक महाराज की बहुत इच्छा थी कि ये धनुष को कोई ऐसा सुयोग्य वर उठाए जिसका मैं विवाह किससे कर सकूं, सीता जी से कर सकूं। तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई कि ये पिनाक धनुष है क्या, ये पिनाक धनुष ये दक्ष प्रजापति के पीछे से स्टोरी से जुड़ता है। तो दक्ष प्रजापति जब अपने केस सुना होगा कि सती जब जाती हैं, शिव जी को इन्वाइट नहीं मिलता, इन्विटेशन नहीं मिलता है, तो सती ऑफेंस हो जाती है। सती क्या हो जाती है, ऑफेंस, अपराध ले लेती हैं। फिर वो अपना क्या दे देती हैं, देह त्याग कर देती हैं। फिर भगवान जी को गुस्सा आता है। तो ये शिव जी का एक अस्त्र है, शिव जी के पास एक त्रिशूल, ऐसे शिव जी के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, पशुपास अस्त्र जैसे होता है, त्रिशूल होता है, बहुत सारे अस्त्र हैं। तो शिव जी का एक पर्सनल ये एक अस्त्र है, इसका नाम क्या है, पिनाक। तो शिव जी ने वो जब देवता लोग अटेंड कर लिया दक्ष के उसको सेरेमनी को, मगर शिव जी का भाग नहीं मिला। अब देवताओं को चाहिए कि शिव जी का भाग दिया जाए, मगर देवताओं ने शिव जी को भाग नहीं दिया। तो देवताओं को भी शिव जी ने क्या उतारा, गुस्सा उतारा। चलो देवता जी को किस तरीके से क्षमा कर दिया, बाकी लोगों को भगवान ने समझा दिया। तो जो धनुष बचा वो धनुष फिर देवताओं को दे दिया। धनुष किसको दे दिया, अब यही धनुष देवरता जो थे भगवान राम की पीढ़ी में, उनको ये धनुष देवताओं ने दिया। तब से ये पूर्वजों की निशानी है, ये शिव धनुष। और ये किसके पास आया, सॉरी जानकी के, जो जनक जी के पूर्वजों के पास आया, जनक जी के पूर्वजों के पास आके ये उनको ये धनुष मिला। तभी बोला कि भैया जब कोई इसको तोड़ेगा या सॉरी इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो मैं उसका विवाह किससे कर दूंगा। तो अब भगवान जो है विवाह के ऊपर जब जा रहे हैं, और देखो अब क्या होता है कि भगवान जैसे आ रहे हैं तो भगवान की जो लीला में ना कुछ रोल फिक्स है, आप उनको हटा नहीं सकते। जैसे शक्ति का जो है वो लक्ष्मी जी बनेंगी या सीता जी बनेंगी या राधा रानी बनेंगी, ठीक है, ये फिक्स है।
कोई और दूसरा उनका रोल नहीं है। जैसे माँ यशोदा ही कौशल्या बनेंगी, है ना, सची माता बनेंगी, वही बनेंगे, हम नहीं बन सकते। हम लोग उनको असिस्ट कर सकते हैं, मगर अब वो बलराम जी वही बनेंगे, अनंत शेष वही बनेंगे, और लक्ष्मण जी वही बनेंगे, नित्यानंद प्रभु भी वही बनेंगे, वो चेंज नहीं कर सकते। ये आप हमेशा ध्यान रखो, भगवान की लीलाओं में कुछ रोल क्या है, फिक्स है। हम लोगों को अगर कभी रोल मिलेगा तो असिस्ट करने का रोल मिल सकता है, मगर जो कांस्टेंट रोल है वो तो परमानेंटली है। तो अवशेष धनुष तोड़ने की बारी है। तो पहले यज्ञ वज्ञ हुआ बहुत तरीके से, तो कंपटीशन क्या था, स्वयंवर का कंपटीशन था, ठीक है। स्वयंवर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वर को, जो वधु है वो स्वयं चुनेगी। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में भी जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था कि परछाई पर देखकर ऊपर जो थी मछली जो घूम रही थी, हाँ, कितना टफ कंपटीशन था। हाँ, तो ये जो टफ कंपटीशन रखने का मतलब है कि जो कन्या है बहुत योग्य है। कन्या कोई ऐरी गैरी नथु गैरी नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा लो, खुद चुन रही है वो। खुद चुनने का मतलब क्या कि जो भी वर होगा उसे अपने बाहुबल का और शक्ति का प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन रखा है उसके बराबर की वो कन्या है। तो ये जो सीता थी जो, और सीता के साथ ये धनुष था, सीता जी खेल खेल में धनुष उठा देती थी। दिक्कत ये थी जहां पर 300-400 लोग लगते थे उसको धक्का मारने में, उसको लाने में, सेट करने में, मगर सीता जी क्या करती थी, खेल खेल में वो धनुष धनुष। अब जनक जी को हैडक बढ़ गई। जनक जी को बोला कि जब इतने सारे जो पुरुष लोग इस धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, मगर मेरी बेटी क्या उठा पा रही है, ये धनुष तो बहुत सामान्य तरीके से उठा पा रही है। तो बस यही क्या हो गया उनका एक क्वालिफिकेशन हो कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा वो, इसलिए शिव धनुष उठाने का कॉम्पिटिशन था, प्रत्यंचा चढ़ाने का नहीं था। वो तो भगवान राम ने सेट करने के चक्कर में वो टूट गया। ओ भाई गलती हो कहीं ना, पुरानी चीज रखी रखी होती है, पता नहीं चलता कि यहाँ से उठा देता, यहाँ से टूट जाती है। तो जो ये जो शिव धनुष था, ये मदर सीता के लिए एक क्या बन गया, कंपटीशन बन गया था। मतलब उनके लिए कंपटीशन रखा गया था कि इसको रखेंगे, इस शिव धनुष को हम ला के रखेंगे, और शिव धनुष को ही क्या रखेंगे, हम सीता के वर के लिए रखेंगे, स्वयं वर के लिए रखेंगे। बस इसी के लिए पूरे देश में, पूरे राज्य में, प्रदेश में, हर जगह हल्ला मच गया कि सीता जी का क्या हो रहा है। तो अलग अलग जो शासक आते थे, अलग अलग राजा आते थे अपने, वो शिव धनुष जी को उठाने का क्या करते थे, प्रयास करते थे, तो उठा नहीं पाते। तो इसलिए जो शक्ति जो है वो संभाली केवल शक्तिमान से ही जा सकती है। यहाँ पर हमें सीखने वाली बात है, शक्ति किससे संभाली जा सकती है, शक्तिमान से। शक्ति को अगर आप पर्सनल यूज करोगे ना, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर शक्ति को अगर पर्सनल यूज करोगे ना तो कभी भी आप सुख से नहीं बैठ सकते, क्योंकि शक्ति जो होती है वो चंचल होती है। शक्ति क्या होती है, चंचल होती है, और चंचल को चंचला पति ही क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। यानी कि जो स्त्री होती है वो पति के ही निर्देशन में ही क्या रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। तो इसलिए जो चंचल स्थिति को भगवान जैसे हैं वो, इसलिए जो लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है, चंचला, और विष्णु का नाम है चंचला पति। लक्ष्मी जी का जो चंचला पति है वो चंचल के क्या है, पति, लक्ष्मी पति। तो ये स्थिति हमें अच्छी है। तो विवाह से पहले बहुत औपचारिकता की गई, है ना, सारी तैयारियां चली गई। अब ये न्यूज अयोध्या भी पहुंच गई कि विश्वामित्र जी क्या लेने गए हैं, उनको लक्ष्मण और उनको राम जी को क्या लेके गए, जनकपुरी लेके गए। तो गुरु का एक काम है कि आगे की जो उनकी तैयारी किस तरीके से कराई जाए। एक्चुअली जो भगवान राम थे वो पूरी तरीके से विश्वामित्र पर डिपेंड थे। भगवान राम जी का जो एक गाइडेंस पे आने पे उनकी डिपेंडेंसी पूरी की, वो ले जा रहे हैं, वो विवाह करा रहे हैं, वो विवाह में एनरोलमेंट करवा रहे हैं, सब कुछ कौन करा रहे हैं, हाँ, और बाद में एक लेटर पहुंचा दे रहे हैं कि जाओ अयोध्या में बता दो कि राम और लक्ष्मण का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। तो अयोध्या से जो दशरथ महाराज थे पूरा बैंड बाजा बारात लेके आ गए कहाँ पर, जनकपुरी आ गए। तो ये है बालकांड के अंदर का कंटेंट।
और जब विवाह हो गया इसी के अंदर, इसी कांड के अंदर, बाल कांड के अंदर राम और सीता के स्वयंवर का क्या आता है वर्णन आना। तो जब मदर सीता पूरी तरह से शादी हो जाती है, सारी रस्में सारे सब कुछ हो जाते हैं, फिर वो फिर पूरी फिर वापस कहाँ आते हैं, अयोध्या वापस आते हैं। फिर अयोध्या में दोबारा शादी होती है दशरथ महाराज जी के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा जो बाल कांड है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो ये एक स्थिति है कि हमें समझने वाली बात है कि भगवान अपनी इन छोटी छोटी लीलाओं को, और बहुत सामान्य लीलाएं, सामान्य लीला यानी कि मनुष्य की भांति प्ले कर रहे। भाई उनको उठा के ले गए, उनको उनके गुरु ले गए, उनको ट्रेनिंग दी, बताएं। तो जो ये भगवान की जो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें पहले समझना, इसलिए जो भगवान राम को भगवान मानते हैं पहले उनको भगवान समझने की कोशिश करनी, तब वो राम मानिए। नहीं तो भारतीय लोग राम को भगवान नहीं मानते। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भगवान राम को एक महापुरुष ही मानते हैं। दूसरे जो जिनकी दाढ़ी और मूछ नहीं होती ना, वो लोग यही मानते हैं कि वो राम जो है वो क्या है, वो एक महापुरुष है। जैसे और भी राजा हुए हैं, ऐसे ये भी एक राजा थे इतिहास में, बहुत अच्छे अच्छे काम करे, तो क्या हो गया, इनका भी नाम हो गया। तो क्या हम भी यही माने, तो हम कैसे मानेंगे कि भगवान भगवान राम है। भगवान की हमें भगवत्ता पता रहनी चाहिए, भगवान की क्या होनी चाहिए, भगवत्ता पता। तभी जब कहते हैं कि ऐसे साधु संघ में आने पर हमें ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्म संहिता में क्या बताया जाता है, रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सम भवत् परमापमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान रामादि मूर्ति अलग अलग तरीके से क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो राम की जो पर्सनैलिटी है, जो राम है, वो सामान्य नहीं है। इसलिए जय श्री राम कहने का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से भगवान की भगवत्ता से क्या है, परिचित है। इसलिए पढ़ो रामायण और भगवान की भगवत्ता को, भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करो कि भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं है कि जो कि इस धरातल पे आए और इस तरह की लीला है। वो राम लीला है और कब से चलती भी आ रही है और अभी भी वो चलती आ रही है। तो ये अयोध्या कांड में जो सॉरी ये जो बाल कांड में इस प्रकार से जो वर्णन है, बहुत सिस्टमैटिक वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि मुझे किस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या ब्रह्मा जी ने मुझे टारगेट दिया इस तरीके का लिखने का। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें डिटेलिंग में पढ़ना चाहिए। तो ये देखो अभी रामनवमी आने वाले 17 तारीख को, तो हमारे पास एक यही काम है कि हम राम चेतना से क्या हो जाए, अपने आप को परिपूर्ण रखें, ताकि हम जब रामनवमी वाले दिन राम जी को देखेंगे ना, तब आपके हृदय में बहुत प्रसन्नता होगी। खाली घर रखोगे तो कुछ काम का नहीं है, हृदय के अंदर भगवान का प्रेम रखोगे, भगवान की लीलाएं रखो, भगवान का स्मरण रखोगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखो एक बार बताता हूँ कि जब आप रामनवमी वाले दिन भगवान को देखोगे ना, आपको इतना पता रहेगा कि मैं पिछले 7 दिन से भगवान राम के बारे में क्या कर रहा हूँ, श्रवण कथन पठन सब कर रहा हूँ। तो आपको राम जी के राम जी को देख कर क्या रहेगी, बहुत प्रसन्नता होगी, ये प्रभु राम है, ऐसे हैं, ये हैं। आप उनके बारे में और जान पाओगे और समझ पाओगे। तो ये स्थिति हमने इसलिए बनाई है कि हम अपने आप को पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में रखें और राम के बारे में क्या करने लगे, समझने और जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट कल अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड में बहुत सारी बातें हैं, तो समझाएंगे डिवोटी जो भी आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी